सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ओके, सो गाइस, आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है. एज इन जिस भी पर्सन ने आज की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक हिम आफ्टर दिस सेशन आल्सो कि यार सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने आज का ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड किया, आज की ट्रेनिंग का पार्ट बनाया. सो गाइज, आपको सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ. सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. सो गाइज, दिस साइड इशिका संगवानी. बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर. और अगर मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं एक एमबीए प्रोफेशनल हूँ फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम जयपुर यूनिवर्सिटी ओनली. सो गाइज, अगर इस सोसाइटी का बात करूँ, आज का जो ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड किया है, आपको जो भी सेशन प्रोवाइड हुआ है, ये आज से पहले मेरी लाइफ में आया था. जैसे आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आज से 5 से 6 महीने पहले मैंने भी इस सेशन को अटेंड किया था. मैं भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बनी थी एंड राइट नाउ आज आप सबके सामने हूँ. सो गाइज, आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आज आपको जो सेशन मिला है ये स्पेशल नहीं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है आप सबके लिए, क्योंकि आज का सेशन मैं नहीं, मेरे सीनियर, माई ग्रेट सीनियर आपको होस्ट करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप विद इन ए मंथ और विद इन ए 2 मंथ्स आप अपनी मंथली इनकम को 25,000 to 30,000 तक रीच कर सकते हैं. यस गाइज, कैसे आप इस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन के, कैसे आप हमारी सोसाइटी का पार्ट बन के मंथली बेसिस पे 25,000 to 30,000 अर्न कर सकते हैं. सो ये मास्टर क्लास बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू ऑल, ये सेशन एंड तक मिस मत करना, क्योंकि बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत सारे सरप्राइजेज है इस सेशन में. तो जितने भी पर्सन है, अच्छे से एक्टिव होके प्रॉपर सिटिंग ले लें, क्योंकि मैं अब इन्वाइट करने वाली हूँ मेरे होस्ट को, माई अपलाइन मिस्टर विपिन ढिल्लो सर, जो कि सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करते हैं, 21 ईयर्स की एज है एंड मल्टीपल 6 फिगर अर्नर्स है, यानी कि उनकी मंथली इनकम की बात करूँ इस प्लेटफॉर्म से 6 फिगर अर्नर है. सो वो खुद आएंगे, खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे एंड वो बताएंगे कि कैसे वो इस सोसाइटी का पार्ट बने थे एंड यहाँ तक उनकी जर्नी कैसी रही. तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो सब गाइज आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप सब एक्साइटेड हो उनको सुनने के लिए. टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स. कौन कौन एक्साइटेड है? ऐसे नहीं आएंगे सर आपको ट्रेनिंग देने. ओके, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी ऑडियंस. सो मैं इन्वाइट करती हूँ मिस्टर विपिन ढिल्लो सर को. सो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस, गुड इवनिंग टू यू सर. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मैम. तो मैं करता हूं आगे कंटिन्यू आपकी वॉइस. यस सर, नाउ इट इज ओवर टू यू. यस, थैंक यू. हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, कैसे आप सभी? हेलो हेलो, हाय, कैसे हैं? ऑल गुड, डूइंग ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, क्या बात है. अच्छा, मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है आपको? वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है मेरी? फटाफट मुझे बताएं. ये ठीक है, मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है. देखो, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत अमेजिंग टॉपिक रहेगा. मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटली अर्निंग कर सकते हो. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज इस मीटिंग में आए हो तो अपने माइंड के ढक्कन को बिल्कुल खोल के बैठना और लास्ट तक इस मीटिंग में बने रहना, क्योंकि माइंड और पैराशूट बिल्कुल सिमिलर होते हैं. पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुला होता है. इसी तरीके से माइंड भी तब काम करता है जब वो खुला होगा. तो इस माइंड के ढक्कन को बिल्कुल खोल के बैठना. ओके, सेकेंड चीज, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि ये जो मीटिंग होगी ये 32 मिनट की मीटिंग होगी, और अगर आप इस मीटिंग को कंप्लीट लगाते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ. और अगर आपने इस मीटिंग को कंप्लीट लगाया तो मैं इतना भी प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, क्योंकि इस 30 से 40 मिनट की मीटिंग में मैं आपको वो रटी रटाई बातें नहीं बताऊंगा जो स्कूल कॉलेज में हमें बताई जाती है. आपको मैं बोर करने वाला नहीं हूं, सीधा टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे. और हां, ये मीटिंग बहुत हेल्प करेगी आपको कि आप डिजिटली अर्निंग कर सको. बट आपसे भी मुझे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए कि आप इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करोगे. तो क्या आप करते हो प्रॉमिस कि इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करोगे? बहुत बढ़िया, मतलब अमेजिंग ऑडियंस बैठी है, एक्टिव ऑडियंस बैठी है, मुझे सिखाने में आज बहुत मजा आने वाला है, क्या बात है, ग्रेट. ओके, एक बार अपनी अटेंडेंस अगेन लगवा दें. जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था उन पर्सन के पास इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेज दें और साथ साथ एक मैसेज भी ड्रॉप करें द टाइम इन मीटिंग. अपनी अटेंडेंस लगा दें कि आप मीटिंग में आ चुके हो और आपको वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है. फटाफट ये छोटी सी एक्टिविटी करें.
ठीक है, ओके ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। माइसेल्फ विपिन ढिल्लों फ्रॉम हरियाणा, एक छोटे से गांव से हूं, बट बचपन से लाइफ में चाहता था कि मैं बहुत कुछ अचीव करूं, लाइफ में चाहता था कि मैं कामयाब बनूं, बट प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पा रहा था। सो बाय चांस मेरी लाइफ में एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने मुझे ऑनलाइन के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आने वाला जो स्कोप है वो ऑनलाइन इंडस्ट्री का है। तो उस टाइम पे मैंने एक ऐसा तरीका सीखा था, जिस तरीके को फॉलो करके, जिस तरीके पे वर्क करके आज मैं महीने के 4.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। सेम उस शख्स ने जिस तरीके की बात मुझे बताई थी वही मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप भी घर बैठे अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम आईडी, बट अभी नहीं जाना, लास्ट में आप जा सकते हो मीटिंग के बाद। तो आप सबका वेलकम है इस ग्रुप में। ये हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है Eagle Club 23। बहुत सारे पर्सन जानते हैं इस ग्रुप के बारे में, बहुत सारे ऐसे भी पर्सन है जो नहीं जानते। तो मैं बता देता हूं, ये एक ग्रुप है, ये एक सोसाइटी है, ऐसे लोगों की सोसाइटी जो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की, या ऐसे पर्सन की जो पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं, और उनकी हेल्प करती है जो स्टूडेंट है स्टडी के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ सके, वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। 20,000 से ज्यादा यंगस्टर की हम हेल्प कर चुके हैं, 20,000 से ज्यादा यंगस्टर को हम ट्रेन कर चुके हैं कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। एजेंडा बता देता हूं किस किस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं। ये सारी की सारी मीटिंग इन टॉपिक पे टिकी है। पहला टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल नॉलेज की, ये सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा। दूसरी चीज मार्केट की सिचुएशन, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, मतलब कोई हवा में बात करने वाला नहीं हूं, प्रैक्टिकली एक एक चीज मैं जो बताऊंगा ना वो प्रैक्टिकली बताऊंगा। तीसरी चीज हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोजेक्ट से मैंने पैसा कमाया है और कमा रहा हूं, और आप उस प्रोजेक्ट से कैसे पैसा कमा सकते हो। अचीवमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया, हमारे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने क्या किया, और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, अमेजिंग सरप्राइज होगा सिर्फ कुछ पर्सन के लिए। वो कौन होंगे कुछ पर्सन वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा, क्या सरप्राइज होगा वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा। तो लास्ट तक टिके रहना, सिर्फ 30 से 35 मिनट बाद आपके सामने सरप्राइज होगा। सो फोर वे टू अर्न इनकम, स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। इस पूरी दुनिया में 4 तरीके हैं जहां से लोग पैसा कमाते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बात पैसों की करी क्योंकि बिना पैसा कुछ भी नहीं है। एक पर्सन आया मेरे पास, कहते सर पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं मानता हूं बट बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। आज आप मुझे सुन रहे हो, मोबाइल फोन पैसे में आया, रिचार्ज पैसे में हुआ, तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जहां से पैसा आए, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। तो इस पूरी दुनिया में 4 ही ऐसे तरीके हैं जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। 4 कैटेगरी है, ये एथिकल कैटेगरी है, मतलब मैंने कोई गलत काम का नहीं बताया कि बैंक लूट लेंगे, चोरी कर लेंगे, नहीं, एथिकल अच्छे काम करके, इस 4 तरीके की कैटेगरी है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। एक एक कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट कैटेगरी है आपके सामने, जिस कैटेगरी का नाम है ई, ई फॉर इंप्लॉय। इंप्लॉय कौन होते हैं? जो अपना टाइम देते हैं और टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। इनका सिंपल सा फंडा है, टाइम इज इक्वल टू मनी। अब जितने भी इस कैटेगरी के लोग हैं उनके पास पैसा बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास टाइम भी लिमिट का ही होता है। अब हर पर्सन को भगवान ने एक दिन में 24 घंटे दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एक इंसान कितने घंटे काम कर सकते हैं एक दिन में? 24 घंटे। तो टाइम लिमिटेड है तो पैसा भी लिमिटेड ही कमाते हैं। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जॉब कर रहा है, जॉब पर्सन, वो इस कैटेगरी में आते हैं। एक टीचर है, वो अपना टाइम देगा स्टूडेंट्स को, फिर उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी। एक बैंक में मैनेजर है, वो टाइम देगा अपने बैंक को, तो बदले में उसको सैलरी मिलेगी। इनके पास पैसा तो लिमिटेड होता ही है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसके साथ साथ इनके पास टाइम फ्रीडम भी नहीं होता। टाइम फ्रीडम मतलब समय की आजादी, कि जब काम करना चाहे तब काम कर सके, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर बॉस होता है जो टाइम डिसाइड करते हैं। अब टीचर ये तो है नहीं मैं रात को 8 घंटे स्कूल में जाऊंगा, उसको उसी टाइम पे जाना पड़ेगा, 9 to 5, 9 to 5, जो भी टाइम है स्कूल का, राइट? तो इनके पास ना पैसा होता ना टाइम फ्रीडम होता। यह है पहली कैटेगरी इंप्लॉय। सेकंड कैटेगरी है सेल्फ इंप्लॉय, मिलता जुलता नाम है, सिर्फ उसके सामने सेल्फ लग गया। सेल्फ मतलब इनके ऊपर कोई बोझ नहीं होता, मतलब इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं इनके पास टाइम फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम होता है, बट एक
जगह से हम देखें तो टाइम फ्रीडम होता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एक शॉप कर रहा है, वो पैसा अच्छा कमा लेता है, दुकानदार शोरूम है आपका शूज का, आप पैसा तो कमा लोगे, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बट टाइम फ्रीडम होता भी है और नहीं भी होता। कैसे? टाइम फ्रीडम इस तरीके से होता है कि जब हम काम करना चाहे तब कर सकते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है। बट होता क्यों नहीं वो बता देता हूं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब एक दुकानदार है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, दुकान पे जाए या ना जाए, बट देखिए तो अगर दुकान पे ना जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो इनके पास हम बोल सकते हैं कि टाइम फ्रीडम नहीं होता। सुबह जाएंगे, शटर ओपन करेंगे, दिन भर दुकान में बैठे रहेंगे और शाम को शटर क्लोज करके आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय के लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, इनके पास पैसा तो होता है, ये कंफर्म है, बट टाइम फ्रीडम नहीं होता। तीसरी और मेरी फेवरेट कैटेगरी है बिजनेस ओनर। बिजनेस कोई भी इंसान अकेले नहीं करता, टीम के साथ होता है। अब एक इंसान 24 घंटे दे रहा हो, टीम हो तो कितने घंटे हो गए? लाखों घंटे हो गए। अगर लाखों घंटे किसी जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा भी कितना मिलेगा। तो इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उनके पास पैसा भी होता है और टाइम फ्रीडम भी होता है। टाइम फ्रीडम क्यों होता है? क्योंकि इनकी टीम होती है, अगर ये 1 महीना कहीं बाहर बैठे तो टीम काम कर लेती है, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। इस कैटेगरी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में अगर आना है तो पैसा चाहिए, जो आपके पास और मेरे पास नहीं था, ये नहीं है, राइट? अब आपके पास तीन ऑप्शन है, कैटेगरी ए एम्प्लॉय, कैटेगरी बी सेल्फ एम्प्लॉय और कैटेगरी सी बिजनेस ओनर। अगर आपको इन तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी को चूज करना हो, आप किस कैटेगरी को चूज करोगे, ए बी या सी? सी सी सी, 1-2% बी भी बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई बॉस है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ग्रेट। अब मार्केट की सिचुएशन बता देता हूं। देखो, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हर पेरेंट्स जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी लो, नौकरी के बारे में बताते हैं, राइट? बट आज के दिन अगर मैं बताऊं तो जॉब जो है वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वजह से जॉब डे बाय डे खत्म होती जा रही है। एक टाइम ऐसा था कि जिसने बीए कर ली वो एक अच्छी नौकरी लग जाता था, बट आज लोग पीएचडी करके घर पे बैठे हैं, एमबीए करके घर पे बैठे हैं। तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 2030 तक जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कितनी जॉब को रिप्लेस कर देगा 2030 तक। तो जब आंसर मैंने पढ़ा ना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि 2030 तक 300 मिलियन फुल टाइम जॉब को रिप्लेस कर देगा एआई। आप देख सकते हो, फास्ट टैग में हम जाते थे, एम्प्लॉय बैठते थे, वो हमें हमसे पैसा लेते थे और हमें वो जाने देते थे टोल टैक्स से, बट आज के दिन फास्ट टैग आ गया। मेट्रो में जाते थे टोकन इंसान देता था, आज मशीन आ गई, यस और नो? इनसे एक चीज पता लग रही है कि जॉब डे बाय डे खत्म होती जा रही है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स उस जॉब को खत्म करते जा रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्लियर है, ये चीज पता लगी? अब जॉब तो खत्म हो रही है, हमारे पास अर्निंग ऑप्शन खत्म हुआ है, अर्निंग आई नहीं है, अर्निंग ऑप्शन खत्म हुआ है, क्या हमारे खर्चे कम हुए हैं? नहीं। आज के दिन अगर मैं बताऊं कितनी इनकम की जरूरत है, अगर आपको अपनी बेसिक्स नीड कंप्लीट करनी है, एक ग्राफ बता देता हूं। 1940 में ऐसा टाइम था जिस घर में 10 रुपए आ रहे हैं वो फैमिली अपना घर का गुजारा अच्छे से कर पा रही थी। 20 साल बाद महंगाई बढ़ी, 1960 में 100 रुपए में काम चलना स्टार्ट हुआ, 1980 में 1,000 रुपए और 2000 में 10,000 रुपए मंथली चाहिए थे अगर अच्छा घर का गुजारा करना है तो। फिर 2020 के अंदर कितनी इनकम चाहिए आज के दिन? 1,00,000 रुपए। कितने? 1,00,000 रुपए। अब बहुत सारे पर्सन सोच रहे होंगे कि सर हमारे घर में तो 1,00,000 रुपए नहीं आ रहे, फिर भी हमारे घर का गुजारा हो रहा है। सिर्फ वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चल रही है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। एक एक पैसा बचा बचा के खर्च करना पड़ता है, 100 रुपए खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, राइट? तो अगर आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है तो 1,00,000 रुपए मिनिमम चाहिएंगे। आर यू प्रिपेयर? क्या है आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करो और 1,00,000 इनकम तक पहुंच सको? कोई दिक्कत नहीं है, आज तक ऑप्शन नहीं था, बट आज मैं आपकी लाइफ में आ चुका हूं। आज ऊपर वाले को नहीं बोल सकते कि मुझे रास्ता नहीं दिखाया, मुझे मौका नहीं दिया। ऑप्शन क्या है मार्केट में? 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप एक अच्छी जॉब कर लो, जिस चीज के बारे में मैंने आपको बताया कि आज खत्म होती जा रही है। दूसरा ऑप्शन है घर का कोई व्यापार कर लो, इस चीज का भी आपको पता है कि सब घर में व्यापार नहीं किया जाता। तीसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह कर ले, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है,
लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऑनलाइन बिजनेस, जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब बिजनेस की बात आई तो तीन टाइप के बिजनेस होते हैं, दे आर थ्री टाइप ऑफ बिजनेसेस। पहला बिजनेस है लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस जो एक डिस्ट्रिक्ट में चलता हो। एक होता है नेशनल बिजनेस, नेशनल बिजनेस जो एक कंट्री में चलता हो, लाइक पूरे इंडिया में चल रहा हो। एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस जो आउट ऑफ इंडिया भी चल रहा हो। तीन टाइप के बिजनेस है। तो अगर आपको बिजनेस ही चूज करना है तो मुझे नहीं लगता किसी छोटे मोटे बिजनेस को आप चूज करना चाहोगे, आप एक इंटरनेशनल बिजनेस को चूज करना चाहोगे। यस और नो? यस। अब मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा था इतने टाइम से, उस वो एक ना तो कोई लोकल बिजनेस ना वो नेशनल बिजनेस, वो एक इंटरनेशनल बिजनेस है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। मुझे नहीं पता इस बिजनेस के बारे में आप जानते हो या नहीं जानते, बट जानते हो तो सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। बट आज मैं जो बताऊंगा आपको प्रॉपर नॉलेज होने वाली है इस बिजनेस की। ये एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया का नहीं है, ये यूएस का बिजनेस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां का ये बिजनेस है। दूसरी चीज, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ये ब्रांड है, मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, प्लांटेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर एक चीज खुद करती है। आपने एक चीज सुनी होगी कि बहुत बड़े लेवल पे कंपनी बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनका कोई ना कोई शेयर होल्डर होता है। अब 50% पैसा मैंने लगाया, 50% मेरे दोस्त ने लगाया, मेरी और मेरे दोस्त की लड़ाई होगी किसी भी रीजन से, तो वो कंपनी बंद हो जाती है। तो इस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, प्लांटेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक हर एक चीज ये कंपनी खुद करती है। और दैट्स व्हाई ये ब्रांड इतना मजबूत है कि आज के दिन 164 देशों में चल रहा है। जब मैं इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम सीख रहा था ना, तो मुझे इस बिजनेस पे 1% भी विश्वास नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन फ्रॉड बहुत चले हुए हैं, तो मैं ये सोच रहा था यार कोई गलत काम ना हो। बट जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना कि 164 कंट्रीज में ये वर्क चल रहा है, तो उस टाइम पे यकीन हो गया था कि हाँ बिजनेस दमदार है। दूसरी बात, आज का नहीं है, कोई 10 साल पुराना, 20 साल पुराना या 30 साल पुराना नहीं है, 45 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इस काम को चलते हुए। 1978 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 2000 में आया था इंडिया में भी, चलते हुए 23 साल का टाइम हो चुका है, 23 साल, सोचो आप। अब ये सब चीज देख के आपको पता लग गया होगा कि किसी ऐसे बिजनेस के अंदर आप आ रहे हो जिस बिजनेस की जो रूट है वो बहुत स्ट्रांग है। अब कोई भी बिजनेस होता है ना, वो दो चीज पे चलता है, या तो प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर ये दो चीज नहीं है, तो समझ लो बिजनेस फ्रॉड है, आपके साथ गलत होने वाला है। कोई भी बिजनेस हवा में नहीं चलता, प्रोडक्ट या सर्विस में चलता है। अमेजोन कंपनी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो किस पे चल रहा है? सर्विस पे चल रहा है। कोई भी स्कूल लगा लो, स्कूल किस पे चल रहा है? सर्विस पे चल रहा है, टीचर सर्विस देते हैं। अब एप्पल कंपनी है, ये किस पे चल रही है? ये प्रोडक्ट पे चल रही है। अब किसी भी बिजनेस का अगर आपको लेवल पता करना है ना, तो पहले पता करो उसके प्रोडक्ट और उसकी सर्विस कैसी है। एप्पल कंपनी का नाम, जो एक ब्रांड आता है ना एप्पल का नाम सुनते ही, क्यों आता है? क्योंकि इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट है ना, वो ब्रांडेड है, राइट? अब हमारा जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। जी हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, बट प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता, सच में मैं इस काम को नहीं करता। बट मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होगा तो बिजनेस फ्लॉड होगा, और प्रोडक्ट बढ़िया नहीं होगा तो भी वो बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। क्या प्रूफ है? अब मैंने आपको बोला कि आपकी क्या एजुकेशन है, आप बोलोगे कि मैंने 10th भी किया, 12th भी किया, क्या प्रूफ है? आपके पास सर्टिफिकेट ही तो है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट है, अवार्ड्स, हमें सील मिली हुई है, मतलब इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की सील मिली हुई है, ये हमारे पास अवार्ड है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं। आप चेक करोगे ना इन अवार्ड के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी सर्टिफिकेटेड प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं अब प्लान की। अब बिजनेस में आपको यकीन हो गया कि चलो मान लिया सर आपने बोल दिया, और मीटिंग के बाद हम गूगल पे विकिपीडिया पे भी चेक कर लेंगे, बट काम क्या करना है इस बिजनेस में? तो प्लान समझा देता हूं। आज के दिन ये बिजनेस 164 कंट्रीज में चल रहा है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे किसी देश में डॉलर चलते हैं, इंडिया में रुपीज चलते हैं, किसी में पौंड चलते हैं, किसी में यूरो चलते हैं, तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। तो किसी भी कंट्री में बिजनेस करने में दिक्कत ना आए, तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी सीसी, इसका फुल फॉर्म रखा गया कैश क्रेडिट। तो ये जो सारा का सारा बिजनेस है, ये उसी कैश क्रेडिट पे चलता है। अब कैसे पैसा कमाओगे, क्या करना होगा? पहली बात, 3 दिन की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग
लगेगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे सिंगल पैसा नहीं लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा कि आपने 3 दिन में क्या सीखा है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही 3 दिन में तो आपको यहां पे ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आपको एक आईडी मिलेगी 12 डिजिट की और सारा का सारा बिजनेस उसी आईडी पे चलेगा। प्लानिंग मिलेगी और हेल्प की जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा कि आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जल्दी से जल्दी अचीव करो। अगर आप इस लेवल को अचीव करते हो तो पहले ही महीने से आप 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए मंथली इनकम अर्न कर सकते हो। मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले ही महीने से इतना कमाना। दूसरे उसके बाद एक लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल, अगर पैसा और कमाना चाहते हो तो आपको प्रमोशन यहां पे लेना पड़ेगा जो होता है 35,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए आपकी इनकम मंथली। जितना आप कमाना चाहो उतना कमा सकते हो, बट मेरी टीम में ज्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं। उसके बाद अगर और ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको लेवल अप करना पड़ेगा, असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा, जहां से आप 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए मंथली अर्न कर सकते हो। और लास्ट लेवल है मैनेजर जो होता है 120 सीसी पर, जहां पे 1,00,000 रुपए आप महीने की इनकम तक पहुंच सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोला था कितनी इनकम चाहिए घर का गुजारा करने के लिए, 1,00,000 रुपए। अगर आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हो तो मैनेजर लेवल अचीव करो। अब क्वेश्चन है कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है मैनेजर बनने में, ये बता देता हूं। सिर्फ 5 से 6 महीने की गेम है। अगर आप दिल से मेहनत करो, अगर अच्छे से वर्क करो तो सिर्फ 5 से 6 महीनों में आप अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अब बहुत सारे पर्सन सोच रहे होंगे चलो आपने बात तो बोल दी लाखों में, क्या आपने कुछ उखाड़ा, क्या आपने कुछ किया? जी हाँ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं। मैं स्टूडेंट था, जस्ट 11th क्लास में स्टडी करता था जब मेरी लाइफ में पहली बार ये बिजनेस आया। ये चीज बताना कोई मोटिवेट करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि इस बिजनेस से आप क्या क्या चीज अचीव कर सकते हो घर बैठे बैठे। दादाजी के साथ खेती की थी, आज भी अपने गांव पे और अपने मतलब घर पे मतलब एक प्राउड होता है कि जरा मैं एक अच्छी फैमिली में हुआ, खेती किया दादाजी के साथ, 11th क्लास में पढ़ता था, बट सपने बहुत बड़े थे। 1.5 साल का टाइम लगा था इसी प्लेटफॉर्म से खुद के दम पे, जस्ट 19 की एज में वरना तक ले चुका था। इसी प्रोजेक्ट से 3 बार आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला। पहली बार मैं गया दुबई, मैं अपने दादाजी के साथ गया, ये जो फोटो देख रहे हो आप ये दुबई की फोटो है। उसके बाद मैं गया साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की फोटो है, और उसके बाद गया मैं बाली इंडोनेशिया। तो 3 कंट्री घूम चुका हूं 4 साल के एक्सपीरियंस। ओके, अब बात है सरप्राइज की। तो आप जिस सोसाइटी का पार्ट बन रहे हो, ये इस इंडस्ट्री की है, इस कंपनी की मैं बोलता हूं बेस्ट सोसाइटी है, क्योंकि इस सोसाइटी की जो पहचान है ना वो स्पोर्ट के कारण है, यूनिटी के कारण है। मतलब आप आए हो, आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो ज्वाइन करवा रहा है ना वो जी जान लगा देगा आपको कामयाब करने के लिए। आज मैं आपके सामने आया हूं ना, मैं खुद पैसा कमाने नहीं आया या अपना प्रॉफिट देख के मैं इस मीटिंग में नहीं आया, मैं आप सबको एक अच्छी गाइडेंस दे सकूं, दैट्स व्हाई आया हूं। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी का पहचान है ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी 800 लोगों को हम चूज कर चुके हैं इस दिन, कल की मीटिंग के लिए, और सिर्फ हमारे पास 200 सीट अभी बाकी है। वो 200 पर्सन होंगे वो सुपर लकी होंगे, क्यों? क्योंकि उनको अगले 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है। और उस ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा कि हम 20,000 रुपए से ज्यादा मंथली इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, पहले महीने कैसे कमा सकते हैं 20 से 25,000 रुपए। उसके साथ साथ इन 200 लोगों को और क्या मिलेगा, एक ऐसा कोर्स मिलेगा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होगा। अगर आप अपना इंटरव्यू क्लियर करते हो तो इस कोर्स की जो वैल्यू वो 16,000 रुपए है, बट आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उसके बाद हम हर दूसरे महीने कोई ना कोई एक ट्रिप करते हैं इंडिया में, उस ट्रिप को क्वालिफाई करने का भी आपको मौका मिल सकता है। इन 200 लोगों के पास ये ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, उन 200 लोगों में कैसे आए, सिंपल, जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा सिर्फ उन्हीं 200 लोगों को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी आपने क्या करना है, अभी मीटिंग एंड होने के बाद कॉल करना, अभी मत कॉल करना, पहले मेरी बात सुनना सिर्फ 2-3 मिनट और। पहली बात क्या करना है, आपने उस पर्सन के पास अभी कॉल या मैसेज करना है जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, थैंक यू बोलो और उनको बोलो कि मुझे अगले 3 दिन का रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो आपने 3 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट कर रखा है उसमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, और फॉर श्योर वो ट्राई करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने की, बाकी आपकी किस्मत है। अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो मैं बता रहा हूं
कि आपसे लकी इंसान नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन कल से जो आपको सिखाने आएंगे वो ऐसे शख्स सिखाने आएंगे जो अकेले कामयाब नहीं है बल्कि वो बहुत सारे लोगों को कामयाब कर चुके हैं। ऐसे शख्स से आपको सीखने का मौका मिलेगा जो सिक्स फिगर नहीं है, सेवन फिगर अंदर भी है, ऐसे ऐसे शख्स आने वाले हैं। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो मैंने आज आपको बताया, कुछ भी आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है विपिन डिलो 23। ठीक है, तो मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स है आप मेरे हाइलाइट चेक कर सकते हो, मेरे बारे में चेक कर सकते हो। बाकी एट लास्ट थैंक यू बोलूंगा और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा उन 200 लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो फटाफट अभी उस पर्सन के पास कॉल करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक दिन में समझ नहीं आएगा, बट इस मीटिंग में आपको इतना पता चल गया होगा कि जिस प्लेटफॉर्म को आप समझने वाले हो अगले 3 दिन के लिए, वो कोई फ्रॉड नहीं है, वो कोई स्कीम स्कैम नहीं है, राइट? तो अब रजिस्ट्रेशन करवाएं और बढ़े आगे।